Hello Sahil, welcome on Cinesplix channel. Hi, thank you so much for having me. So first of all, congratulations आपकी movie के लिए for second chance. Thank you. आप excited हैं इस movie को लेके and क्या कुछ आप expect कर रहे हैं audience का reaction? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए बिकॉज ये एक मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है और इसमें एक्टर्स जो हैं रेणुका मैम, आनंद महादेवन सर, तो दे वर द फर्स्ट रीज़न कि मैंने इस मूवी को हाँ बोला था बिकॉज इतने बड़े एक्टर्स के साथ आपको जब काम करने का मौका मिलता तो आप बहुत कुछ सीखते हो इनसे. सो या बहुत ही स्वीट फिल्म है और मैसेज भी है इसमें. वो मैसेज मेरे थ्रू कन्वे होता है जो भी मैं जैसे मैं अपनी मॉम को ओल्ड एज होम छोड़ आता हूँ तो जो कि एक हकीकत है. बहुत लोग हमारे हिंदुस्तान में एंड इवन इन अब्रॉड पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ देना चाहिए बिकॉज दे आर टू मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये एक हकीकत है जो हम इस फिल्म में दर्शा रहे हैं और शायद इस फिल्म से लोगों को मैसेज मिलेगा और शायद लोग सुधरेंगे. देखिए मेरा कैरेक्टर नाम अजीत है और इसमें जैसे मैंने कहा कि मेरा कैरेक्टर इज़ द बैड सन बेसिकली जो अपनी मॉम को ओल्ड एज होम छोड़ने चाहता है और बाद में उसको ये सीख मिलती है एट द एंड ऑफ द फिल्म कि जैसा आप अपने पेरेंट्स के साथ करोगे वैसे ही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे. सो बेसिकली जैसी करनी वैसी भरनी. सो या आई मीन कैरेक्टर शॉर्ट फिल्म में कम टाइम होता है, यू नो, कम सीन्स होते हैं एंड मेरे को जितना भी मौका मिला मेरे बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था. एक्सप्रेशंस जितने भी थे सब कुछ था वो बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ें थी जो मैं कर रहा था. जैसे मॉम को छोड़ने गया, फिर जो मेरी डॉटर के साथ जो मेरा सीन था. सो आई हैड अ गुड टाइम शूटिंग फॉर दिस फिल्म एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से ये फिल्म रिलीज़ हो और लोगों को इस फिल्म को देखने का मौका मिले. रियल लाइफ में भी ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे जो है अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में एंड इवन मुंबई में बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम भी हैं. तो ऐसे में आपने कभी उन वृद्धाश्रम कभी विजिट किया है या आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आई हैव बीन टू ओल्ड एज होम्स इवन इन दिल्ली और मुंबई में भी. मैं एक शो कर रहा था जिसमें हमारा शूट ही ओल्ड एज होम में था तो आई मेट अ लॉट ऑफ यू नो ओल्ड अंकल्स आंटीज़ देर और मेरी उनसे इंटरेक्शन भी हुई. तो कई लोग ऐसे थे जो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे बट कई लोग ऐसे भी थे जिनके साथ फैमिली अच्छा बर्ताव नहीं करती थी. सो दे वर हैप्पी इन दैट ओल्ड एज होम कि हाँ एटलीस्ट सुकून तो है, खाना मिल रहा है, कुछ यू नो कोई हरासमेंट नहीं है जो कि फैमिली विच इज़ अ सैड रियलिटी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही जब वो ओल्ड हो जाते हैं आप उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं जस्ट बिकॉज आपकी आपके बच्चे हो जाते हैं और आपकी पार्टनर होती है तो आप उनको ज़्यादा महत्व देते हैं जबकि उनको देना चाहिए जिन्होंने आपको पाला है, यू नो. सो इट्स अ सैड रियलिटी एंड मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करके बहुत बुरा भी लगा और आई वॉज़ हैप्पी फॉर अ फैक्ट कि एटलीस्ट दे आर हैप्पी देयर, यू नो. बुरे एटमॉस्फेयर में रहने से बेटर है कि आप अपने जो आपके अपने वैसे भी नहीं है जो आपके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप अनजान लोगों के साथ रहो, शायद वो ज़्यादा आपको प्यार देते हैं उस टाइम. यस एक्चुअली. और साथ ही में अगर पेरेंट्स की बात हो ही रही है तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपको पता उनको पता चला कि आपकी जो ये स्टोरी है आप ये ऐसा ये कैरेक्टर जो है पोर्ट्रे करने वाले हैं? मतलब मैंने उनको ज़्यादा स्टोरी के बारे में नहीं बताया बट मैंने जैसे ही एक्ट्रेस का नाम लिया तो वो बहुत खुश हो गए. रेणुका शाह मैम और आनंद सर का नाम सुनते ही दे वर लाइक वाओ, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम, तो वो बहुत खुश हैं. और फिल्म का मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई है, वो अब देखेंगे तो आई एम श्योर कनेक्ट कर पाएंगे इन द सेंस कि बिकॉज ये रियलिटी उन्होंने आसपास देखी हुई है. आई लव माई पेरेंट्स, आई एम वेरी क्लोज टू देम बट दे हैव सीन दैट इन देयर लाइफ कि ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं. सो आई एम श्योर दे विल कनेक्ट विद इट और मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग सीखें इससे जो भी सीख मिलती है कि यार यू शुडंट डू इट बिकॉज जब तुम छोटे थे उन्होंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया और अब तुम सक्सेसफुल हो गए और तुम या जितना भी जो भी कमा रहे हो बट तुम उनके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते, तुम अपने बच्चों पे अपने पार्टनर पे खर्चा करना चाहते हो विच इज़ आई बिलीव इट्स डिसगस्टिंग. यस एंड पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स होती है वही सबसे बड़ी होती है, वही हमें आगे काम भी आती है. पेरेंट्स सेल्फलेसली आपके लिए हर चीज़ करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं. शायद उनके पास इतने पैसे ना हो, इतना मीन्स ना हो को आपकी इच्छा पूरी करने का बट वो अपना
200 अपना पेट काट के तुम्हें खिलाते हैं. सो मतलब फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता, और चाहे जितना भी बुरा टाइम आए, जो भी आए, आपकी फैमिली ही होगी जो आपके साथ खड़ी होगी. तो अपने फैमिली के साथ बुरा तो कभी नहीं करना चाहिए. यस, और अगर बात करें इस मूवी के बारे में, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर, आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही है? सो बेसिकली इसमें जो मेरी डॉटर प्ले कर रही है, उसका नाम है साई. तो वो मेरे शो में भी, आई वॉज डूइंग ए शो ऑन कलर्स, पिंजरा खूबसूरती का, तो उसमें भी मेरी डॉटर वही थी. तो लक्ष्मी ने जब मुझे कास्ट कर रही थी तो उसने मेरी फ़ोटोज़ देखी उसके साथ, तो उसे भी कास्ट कर लिया. तो मेरा ऑलरेडी उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. शी इज़ द क्यूटेस्ट चाइल्ड एवर. और फिर रेणुका मैम के साथ मेरे सीन्स होते थे, तो वो भी बहुत, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया. मतलब मैं पहले नर्वस था व्हेन आई वाज यू नो गोइंग टू द सेट, कि यार कैसा होगा एटमॉस्फेयर, यू नो सीनियर एक्टर, विल शी बी स्ट्रिक्ट, बट शी इज़ सो पॉजिटिव, सो वेलकमिंग. तो उनके साथ भी मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है. एंड मतलब वो देखते ही आपको स्माइल करती है, उनकी स्माइल तो मतलब दी बेस्ट है. बिल्कुल, आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से रिलीज हो. यस, और ऐसा कोई किरदार है जिसको आप निभाना चाहते हैं, जो आपका फेवरेट है? सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो चैलेंज करें. वो बेसिक स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स नहीं चाहिए मेरे को. सो बट हाँ, एक मेरा बहुत मन है गैंगस्टर प्ले करने का, यू नो, एक माफिया गैंगस्टर. तो उसमें मैं अपना क्या ला सकता हूँ टू द टेबल कैरेक्टर में, मुझे वो एक एक्सप्लोर करना है. सो मे बी फिंगर क्रॉस्ड, जब भी जब मौका मिले. या कुछ अलग चेहरा देखेंगे ऑडियंस, वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लोग, यू नो मी एज अ गैंगस्टर व्हाटएवर. अगर बट ऐसा मौका मिले तो आई थिंक आई कैन डू अ लॉट इन अ कैरेक्टर लाइक दैट. एंड अगर आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किए, तो क्या कुछ आप? बेसिकली अभी इस फिल्म के बाद एक मेरा वेब एपिसोड है जो हंगामा प्ले का है, दैट इज रिलीजिंग. बाकी रेस्ट अभी ऑडिशंस आर ऑन, सो लेट्स सी. ओके, सो आपकी जो जर्नी है वो काफी अच्छी रही, बहुत लोगों ने देखी हुई है. अभी आपकी फिल्म आ रही है, अगेन आपने कहा एक और एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप अपनी जर्नी को कैसे डिफाइन करते हैं? यू नो चीजें थोड़ी लेट मिलती हैं, बट मिलती हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मेरी जर्नी ऐसी ही रही है, बहुत जल्दी चीज़ें नहीं मिली हैं, और थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, और इस इंडस्ट्री में वैसे भी पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम ग्रेटफुल, मतलब मुझे जितना भी काम करने का मौका अभी तक मिला है. मैं एक्टर, मतलब मैं बाय चांस बन गया, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कुछ भी कर लूँगा जितना भी अभी तक मैंने किया है. आई एम नाउ, बिकॉज जब मैंने काम करना शुरू किया, आई फेल इन लव विद द क्राफ्ट, तब मुझे समझ आई कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा एक ज़रिया है अपने आप को, यू नो, एक्सप्रेस करने का. एंड आई, दिस द बेस्ट फीलिंग, जब आई एम ऑन सेट, इट्स द बेस्ट फीलिंग. मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ काम करूँ, हर रोज़ सेट पे रहूँ, मुझे छुट्टियाँ नहीं चाहिए. ऑनेस्टली मैं जब टीवी शो भी कर रहा होता हूँ, 30-30 दिन महीने के शूट होते हैं, बट मैं कंप्लेंट नहीं करता कि मुझे छुट्टी चाहिए, बिकॉज आई लव बींग ऑन सेट. तो या मतलब आई एम ग्रेटफुल अभी के, अभी तक जितना काम मिला है, और आगे भी आई एम श्योर मिलता रहेगा. सो आपको आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी.